हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ साहिल, आपका दोस्त। और मैंने जब हम बद्रीनाथ जा रहे थे तो उससे पहले एक वीडियो बनाई थी, बजट वीडियो, जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया था कि हमारा लगभग लगभग मैं बजट कैसे बनाता हूँ। और 3,000 के आसपास मैंने पर पर्सन बताया था, 3,000 से कम भी हो सकता था क्योंकि एग्जैक्ट बजट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट उसके राउंड फिगर बनाया था। लेकिन हम इस बार जब हम गए थे तो हम, आपने जैसे वीडियोज़ में देखा होगा, हम चंडीगढ़ से एक्टिवा में गए थे। दो एक्टिवा थी, मतलब एक एक्टिवा थी, एक जुपिटर थी। तो हम चंडीगढ़ से निकले थे, हम निकले थे बद्रीनाथ माना के लिए, लेकिन वहाँ पर भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। ये इस चीज़ के बारे कुछ हमें नहीं पता था। वीडियोस में आप देखोगे, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि हमारे खुद जो गढ़वाल के लोग हैं, हम जैसे गढ़वाल से रहने वाले हैं, पौड़ी से रहने वाले हैं, तो हमारे ही लोगों को नहीं पता है। वीडियो में एक, जहाँ पे मुझे एक बुढ़ी जी मिले थे, हमारे यहाँ पे बुढ़ी जी कहा जाता है, तो आप ये मत सोचना कि मैं उनको बुजुर्ग बोल रहा हूँ, बुढ़ी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बुढ़ी जी कहा जाता है, बुढ़ा जी, बुढ़ी जी कहा जाता है। तो वो, उनको हम बुढ़ी जी बोलते हैं, तो वो मिले थे, उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि तुम बद्रीनाथ नहीं गए। तो जो पूरी लाइफ हमारे उत्तराखंड में रहे हैं, जब असनोली गांव में हम गए थे, आपने देखा होगा, पूरी लाइफ जो उत्तराखंड में रहे हैं, उनको ही नहीं पता है कि उस टाइम पे वो खुले हैं कि बंद है, क्या है, जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। सिर्फ इतना पता था कि कपाट बंद है, बट ये नहीं पता था कि वहाँ तक जा ही नहीं सकते हैं। और जब हम रास्ते में भी जा रहे थे तो बहुत लोगों से हमारी बात हुई है, तो वहाँ पे भी किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ सीन होता है कि वहाँ पे टोटली बंद होता है। जब हम पीपल कोटी पहुँचे, पीपल कोटी से थोड़ा सा पहले, 5-10 किलोमीटर पहले, तो वहाँ पर हमें फ़र्स्ट टाइम पता लगा था कि उस, हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो वहाँ हमें फ़र्स्ट टाइम पता लगा था। फिर पीपल कोटी में हमें पता लगी बात कि नहीं, हमें आगे जाने ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम, जो हमारा एक था कि हम नरसिंह मंदिर जाएंगे जो कि जोशीमठ में पड़ता है, क्योंकि 6 महीने जब कपाट बंद होते हैं बद्रीनाथ के, तो मूर्ति को वहाँ पे ले जाया जाता है डोली के द्वारा, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने नरसिंह मंदिर में दर्शन जरूर करे थे बद्री बाबा के, लेकिन हम बद्रीनाथ माना नहीं जा पाए थे। वो हमारा फ्यूचर में प्लान बनेगा दोबारा से वहाँ जाने का। सो अभी बेसिकली जो मैं बजट बता रहा हूँ वहाँ से आने के बाद, तो हमारा जो बजट था वो पर पर्सन हमें 1,800 रुपये पड़ा है, पर पर्सन। यहाँ से हम एक्टिवा में गए हैं, हमारा पेट्रोल, रहना, खाना, सब कुछ 1,800 रुपये एक इंसान का पड़ा है। तो गाइज़, ये मैंने पीछे पूरा एक डायग्राम बना दिया है, सब कुछ लिख दिया है, पेट्रोल, फूड, रूम, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो ए और जे लिखा है, क्योंकि हमारे पास दो थे, एक्टिवा और जुपिटर, तो जब हम चंडीगढ़ से निकले थे तो हमने एक्टिवा का यहाँ पे लिखा है, जुपिटर का यहाँ पे, जो मनु भाई की जुपिटर है उसमें कितना पेट्रोल। मेरी एक्टिवा पहले खाली थी, उनके में था, तो मेरा 380 रुपये में फुल हुआ था, जुपिटर में 160 रुपये का डला था। उसके बाद हमारे पास 5 लीटर का टैंक था जिसने हमारी काफ़ी हेल्प भी करी, हमने 4 लीटर उसमें पेट्रोल भराया था, 360 रुपये का डला था उसमें, जो कि 180 180 रुपये हमने डिवाइड कर दिए। उसके बाद हमने देहरादून से पहले रात को पेट्रोल डलवाया था, 283 रुपये का एक्टिवा में और जुपिटर में 356 रुपये का। फिर हमने श्रीनगर में पेट्रोल भरवाया था, फुल करवाए थे टैंक, 370 रुपये का एक्टिवा में, 330 रुपये का जुपिटर में। उसके बाद श्रीनगर के बाद हमने कहीं पे नहीं डलवाया था, पीपल कोटी पहुँच गए, जोशीमठ पहुँच गए, हमारे पास पेट्रोल ख़त्म हो गया था एक किस्म से। और हमारी जो क्या बोलते होली वाले दिन सब कुछ वहाँ पे पेट्रोल पंप बंद भी थे, जिस वजह से बहुत दिक्कत आई, टैंक ने हमारी थोड़ी बहुत हेल्प भी करी। स्पार्क प्लग भी हमारा ख़राब हो चुका था जुपिटर का, 80 किलोमीटर तक हम कैसे आए, उसको जद्दोजहद करके लेके आए, ये सब आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। उसके बाद जो हमें कुदरती हमें पेट्रोल पंप मिला था करण प्रयाग में खुला, वहाँ पे हमने करण प्रयाग में जो हमने पेट्रोल भरवाया था वो भरवाया था 450 रुपये का, मैंने एक्टिवा में, और जुपिटर में 410 रुपये का। उसके बाद हमने पौड़ी में, जब हम वापसी कर रहे थे, असनोली से जा रहे थे हम, पौड़ी सुबह पहुँचे थे और पौड़ी से चंडीगढ़ के लिए जाना था, तो हमने वहाँ पे पौड़ी में भरवाया था 230 रुपये का एक्टिवा में और 201 रुपये का जुपिटर में। उसके बाद हमने कोटद्वार में पेट्रोल भरवाया था, कोटद्वार में हमने 220 रुपये का एक्टिवा में और 220 रुपये का ही जुपिटर में डला था। उसके बाद हमने फिर रास्ते में एक जगह पे और रात को पेट्रोल डलवाया था लास्ट टाइम, वो हमने डलवाया था 350 350 रुपये का दोनों में। और आते समय हमारे पास काफ़ी पेट्रोल बचा भी था, तो इसमें हमारा जो टोटल बना था वो 2463 रुपये का, 2463 का हमारी एक्टिवा का पेट्रोल लगा है और 2207 2207 का जुपिटर का पेट्रोल लगा है, जिसमें थोड़ा बचा भी था, मतलब 150 200 रुपये के आसपास पेट्रोल बच भी गया था दोनों में ही। पेट्रोल के बाद आते हैं हम फूड पर।
फूड में जब हम यहाँ से हम गए थे तो हम एक जगह हिमाचल में जहाँ पे हम रात को 80 रुपये की प्लेट थी और थोड़ी बहुत चपाती इन्होंने एक्स्ट्रा ली थी तो 120 रुपये हमारे वहाँ पे लगे थे। उसके बाद हम सुबह टीरी की तरफ जब पहुँचे थे तो हमने वहाँ पे चाय और समोसा खाया था जो कि हमारा 120 रुपये का हमें पड़ा था। उसके बाद हम धारी देवी गए, धारी देवी में हमने दर्शन करे, आपने देखे होंगे वीडियो में। तो उसके बाद धारी देवी में हमने 120 रुपये के नूडल्स खाए थे, चाय ली थी, वो चाय के पैसे जोड़ना भूल गए, हम भी बाद में भूल गए थे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं उनसे। तो 120 रुपये के हमें नूडल पड़े थे, तो 120 120 हमारा चल रहा था। उसके बाद हमने रात को पीपल कोटी में डायरेक्ट डिनर किया था, पीपल कोटी में हमने 240 रुपये का डिनर किया था। और वहाँ पे हमें कहा गया था कि कल होली है, कल तुम्हें सब कुछ बंद मिलेगा, तुम्हें खाना खुना कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम जो हो सकता है अभी अपने साथ रख लो। तो हमने वहाँ पे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लिए थे जो कि हमें 330 रुपये के हमने अपने पास रख लिए थे पीपल कोटी में लेके। और वहीं पर हमने 300 रुपये का रूम भी लिया था, रूम हमें सिर्फ एक ही जगह लिया, 300 रुपये का, देख लेना, काफ़ी अच्छा रूम था, डबल बेड लगे हुए थे उसमें, मतलब डबल बेड एक साइड और डबल बेड एक साइड, दो डबल बेड लगे हुए थे, चार बंदों हमने स्टे करा सिर्फ 300 रुपये में। तो वो भी देख लेना, केदारनाथ समिति बद्रीनाथ समिति का वो था, तो पीपल कोटी में। उसके बाद हम जोशीमठ गए क्योंकि होली थी, वहाँ पे नरसिंह मंदिर में हमने दर्शन करे, लेकिन हमें रास्ते में कहीं पे कुछ खाने को नहीं मिला। हमारे पास जो चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह थे वही हमने थोड़ा बहुत उससे ही से काम चलाया, पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया था। सीधा हम पहुँचते हैं फिर रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में शाम को हमने 100 रुपये की चाय वगैरह, हमने बिस्किट वगैरह लिए थे वो खाए थे। उसके बाद हमने पौड़ी में हमने केले वगैरह लिए थे और भी कुछ लिया था, 200 रुपये का हमने वहाँ पे लिया था। एंड उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे हम चंडीगढ़ वापस आ रहे थे सनोली से, तो हमने लंच किया था सतपुली में 270 रुपये का, और हमने रात को डिनर किया था 325 रुपये का। तो टोटल हमारा ये हुआ था 1825 रुपये का खर्चा फूड में, जिसमें हम काफ़ी जगह पे हमने खाना नहीं खाया क्योंकि होली वाले दिन जैसे हमें पूरा दिन हमें खाना नहीं मिला, तो वो हमारा थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन होना रह गया। अगर और दिन जैसे रेगुलर होता तो हम वहाँ पे होली वाले दिन खाना खाते तो वो भी ऐड ऑन होता, बट अभी हमारा जो लगा था वो सिर्फ हमारा 1825 रुपये लगा था इस वजह से। उसके बाद हमारे जो अदर खर्चे थे, अदर खर्चे में जैसे हमारा स्पार्क प्लग का खर्चा था और भी ऐसे कुछ खर्चे थे, तो स्पार्क प्लग हमें 200 रुपये का पड़ा था, ऐसे ही हमारा कुछ 170 और 100 370 रुपये का हमारा एक अदर खर्चा था। तो अगर मैं टोटल खर्चे की बात करूँ, सारा कुछ मिला के हमारा टोटल खर्चा था 7165 7165 का हमारा चार लोगों का खर्चा था, चंडीगढ़ से जोशीमठ, जोशीमठ से चंडीगढ़ एक्टिवा जुपिटर के साथ 7165 रुपये। अब हमने जो बजट बनाया था वो बद्रीनाथ का बनाया था, और हमने बजट बनाया था 3000 के आसपास का। अगर हम 7165 को डिवाइड करते हैं चार लोगों में तो ये 1800 1700 के आसपास बैठेगा, तो हमारा 1800 रुपये हमारा जो खर्चा था एक बंदे का पूरी जर्नी का। अब 3000 के आसपास का बजट हमने बनाया था, वो एग्जैक्ट बजट होता अगर हम बद्रीनाथ जा पाते, क्योंकि अगर हम बद्रीनाथ जा पाते और हमें खाने पीने को होली वाले दिन भी कुछ मिलता तो उसमें ऐड ऑन होता। बद्रीनाथ जाते, बद्रीनाथ लगभग जोशीमठ से 40-50 किलोमीटर दूर था, तो 100 200 रुपये का पेट्रोल और हमारा लगता, प्लस हमें वहाँ पे स्टे करना होता तो 300 400 रुपये पर पर्सन हमें वहाँ पड़ता, क्योंकि 1000 का अगर रूम मिलता तो 250 रुपये एक में जाता। तो और जैसे हम आते समय हम असनोली में रुक गए थे जहाँ पे मेरा नानका है, आपने देखा होगा, तो आते समय असनोली में रुके तो हमारा वो खर्चा बच गया, होटल का खर्चा बच गया, प्लस खाने का खर्चा वहाँ पे बच गया, तो 300 400 रुपये वो भी बच गया। तो टोटल अगर एवरेज आप रख के चलो तो हमारा कहीं ना कहीं, अगर हम जोशीमठ से बद्रीनाथ जा पाते और हम वहाँ से वापसी आते और हम असनोली नहीं आते, डायरेक्ट ही वापस आते और होली वाले दिन भी हमें खाने पीने को सब कुछ मिलता, तो हमारा अप्रोक्स जहाँ पे अभी हमारा 1800 रुपये का खर्चा एक पर्सन पे आया है, इसमें आप ऐड ऑन 1000 रुपये ऐड ऑन कर लो या 1200 रुपये ऐड ऑन कर लो, तब भी आप 1800 में 1000 ऐड ऑन करोगे तो 2800 और 1200 ऐड करोगे तो 3000, तो तब भी हमारा 3000 रुपये ही खर्चा आना था। तो ये जो हमारी पूरी जर्नी थी, ये पूरा हमारा खर्चा था 7165 रुपये टोटल पर पर्सन, 1800 रुपये चंडीगढ़ से जोशीमठ एक्टिवा जुपिटर में और वहाँ से वापसी चंडीगढ़ का, ये खर्चा था हमारा पर पर्सन 1800 रुपये। तो ऐसा हमारा, हमने पहले भी आपको वीडियो, आपने नहीं देखा होगा तो देख लो जाके पुराना वीडियो, आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैंने जाने से पहले ही अपना पूरा एक बजट डिस्क्राइब कर दिया था। लगभग मेरा 3000 रुपये का आइडिया था, लेकिन हम पूरा नहीं जा पाए, थोड़ा जोशीमठ तक जा पाए थे और रास्ते में हमें कुछ नहीं मिला था इतना, तो हमारा 1800 रुपये खर्चा आया। बट अगर हमारा सब कुछ
अकॉर्डिंग टू प्लान चलता तो हमारा 3,000 के आसपास ही पूरा बजट बनना था। और अब फ्यूचर में हम प्लान करेंगे फिर से जाने का बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब, और हमारा लगभग लगभग 3-4 हज़ार के आसपास ही बजट उस टाइम भी बनेगा। तो एक बार फिर आपके पास बजट की वीडियो तैयार होकर आएगी जब हम फ्यूचर में जाएंगे। बट अभी बैड न्यूज़ ये है, क्योंकि अभी पता चल रहा है कि कोविड जिस तरीके से फैल रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा सेफ़ रहें, क्योंकि कोविड की वजह से अभी चारधाम यात्रा को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। बट अभी मई स्टार्ट हुआ है, आज 1 मई है, तो अभी देखते हैं अप्रैल तक, सॉरी जून तक जाते जाते क्या पोजीशंस आती है, क्योंकि अभी तो कपाट खुलने हैं और उसके बाद ही देखते हैं कि जून तक चारधाम यात्रा खुलती है या नहीं खुलती है, या सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए खुलेगी। बट अभी तो जो अनाउंसमेंट उन्होंने की है उत्तराखंड टूरिज़्म की तरफ से, वो सिर्फ ये है कि अभी कैंसिल कर दी गई है चारधाम यात्रा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आगे मिलती रहेगी, और उत्तराखंड टूरिज्म से रिलेटेड भी, और भी हम कहीं पे जाएंगे तो वहाँ की भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे द्वारा आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लव यू गाइज़।